मंच पर उपस्थित भारत गणराज्य के महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर हामिद अंसारी जी, फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद मुकर्रम साहब, प्रखर चिंतक एवं राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक भाई गुलाब कोठारी जी, समाज सेवा के क्षेत्र के अंदर एक जाना पहचाना नाम हमारे विश्व भारती के आधार स्तंभ पार्श्वनाथ डेवलपर्स के चेयरमैन भाई प्रदीप जैन जी, उपस्थित गणमान्य महानुभावों, बंधु और बहनों, कन्या भ्रूण हत्या एक ऐसी समस्या उभर करके हमारे सामने उपस्थित है और इस समस्या के संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर समय रहते इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो समाज के लिए कैंसर और एड्स से भी अधिक भयावह समस्या ये परिणाम इस समाज को दे। बालक बालिका जन्म दर के अंदर जिस असंतुलन की चर्चा अभी संयोजक के वक्तव्य में बहन राखी ने की, वे आंकड़े इतने अधिक डरावने हैं और इस संदर्भ में मैंने जब लिखना शुरू किया पहले मेरी भी ऐसी सोच थी कि शायद ये शिक्षा के अभाव में है, गरीबी के कारण से है, किंतु जब सच्चाई से रूबरू हुआ मुझे कहते हुए दुख होता है ये समस्या शिक्षित और विकसित वर्ग के अंदर अधिक है। गरीब से अधिक पढ़े लिखे तबके में, अमीर तबके में, दिल्ली का मैं केवल एक विश्लेषण करूं तो पूर्वी और उत्तरी दिल्ली जिलों के वनिस्पत यह समस्या दक्षिणी और पश्चिमी दिल्ली के अंदर अधिक है जो कि यहां पौश इलाका कहलाता है। यह अभिजाति वर्ग के अंदर अधिक है। हमें इस समस्या को मिटाने के लिए इसके मूल कारणों को खोजना होगा कि आखिर वो क्या कारण है, क्योंकि जब तक मूल में जाकर के समस्या का समाधान नहीं करेंगे मनुष्य के भीतर बैठी हुई वह लोभ और लालच की प्रवृत्ति दहेज रूपी एक ऐसी समस्या एक ऐसी बुराई हमारे सामने है, वह भी एक बहुत बड़ा कारण है। कुछ वर्षों पूर्व पंजाब में मैं जब गया अखबार में विज्ञापन देख करके राउंड पे खड़े हुए गए, उसका शीर्षक था कि 5,000 रुपए खर्च करो और 5,00,000 रुपए बचाओ। आप इसी सारे को समझ सकते हैं। अहिंसा विश्व भारती ने इस संदर्भ में क्रांति स्तर पर कुछ कार्यक्रम किए। राजस्थान की राजधानी जयपुर में और तत्कालीन वहां की राज्यपाल और वर्तमान की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी की उपस्थिति के अंदर हिमाचल में सम्मेलन किया, वहां के मुख्यमंत्री तत्कालीन वीरभद्र जी और ऊर्जा मंत्री विद्या चौकसी, और सबसे बड़े इस अभियान की विशेषता रही कि सभी धर्मों के धर्मगुरु एक साथ इकट्ठे होकर। इसी तरह से हरियाणा के अंदर वहां के राज्यपाल यार किद्वई जी के सानिध्य में और एक यात्रा हमने गुजरात से लेकर के अमृतसर तक, जिसमें गुजरात राजस्थान हरियाणा पंजाब और हिमाचल इन प्रदेशों का स्पर्श करते हुए धार्मिक पवित्र नगरी अमृतसर में जाकर के उसे प्रदर्शन किया। आज उपराष्ट्रपति भवन का ये समारोह और महामहिम की उपस्थिति से एक राष्ट्रीय सर्वधर्म महाभियान का शुभारंभ और खास करके उन प्रदेशों में जहां पर हमारे कुछ ऐसे प्रदेश हैं पंजाब हरियाणा हिमाचल दिल्ली, हजार लड़कों के पीछे 900 850 800 और पंजाब के कुछ कस्बों के अंदर 700 से अधिक नीचे आंकड़ा चला गया। आप कल्पना कीजिए ये बच्चे जब 25 और 30 वर्ष के होंगे। सवाल केवल ये नहीं कि जब बेटी नहीं होगी दुल्हन कहां से लाओगे, इस समाज के अंदर नैतिक और चारित्रिक मूल्यों का पतन होगा।
मानसिक विकृतियां बढ़ेगी और अल्टीमेटली जिसे कहें हिंसा, क्योंकि संपन्न वर्ग जो संसाधनों के साथ ले आएगा, किंतु जो मध्यम वर्ग है, जो गरीब तबका है, इस संदर्भ में पिछले दिनों महामहिम राष्ट्रपति जी से जब चर्चा की, आपका सुझाव रहा कि समस्या का समाधान केवल कानून से नहीं, इसके लिए सामाजिक संगठन और धर्म गुरु आ गया है। मुझे महामहिम जी कहते हुए फक्र हो रहा है, हालांकि उपराष्ट्रपति भवन की अपने कुछ नियम, अपने कुछ आचार संहिता होती है, वरना एक विराट उपस्थिति के अंदर यह कार्यक्रम, किंतु मैं समझता हूं महामहिम का जो प्रेरणादायी वक्तव्य होगा, हमने दो स्तरों पर इस कार्यक्रम को सोचा कि एक तो धर्म गुरु संगोष्ठियों के द्वारा सेमिनार सम्मेलन हृदय परिवर्तन की मुहिम चलाए, और दूसरे में हमारे ये सामने बैठे हुए युवक युवतियां स्थानीय स्तर पर, इनका केवल काम होगा कि अपने अपने गली मोहल्ले में चलने वाले क्लिनिकों पर नजर रख करके कि वहां हम कन्या भ्रूण हत्या नहीं होने देंगे। एक और हृदय परिवर्तन, और दूसरी और जो है, कहते हैं कि घर के बिना भी प्रीत नहीं है, किंतु मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमारा यह आंदोलन पूर्ण रूप से अहिंसक होगा, इसमें किसी भी तरह के हिंसे के सहारे का तो सवाल ही नहीं हो सकता है, किंतु यह अवश्य है कि एक ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाए कि जिससे इस काम को करने वालों के अंदर भी भय पैदा हो। मैं अधिक समय नहीं लूंगा, क्योंकि जहां पर महामहिम की उपस्थिति है, हमारे भाई गुलाब जी कोठारी जो समाज सेवा के क्षेत्र में हमेशा आगे रहते हैं, और इन्होंने स्वयं ने एक मुहिम वहां पर चलाई, और जहां पर शाही इमामदार जैसे लोग रहते हैं, और भाई प्रदीप जी जब आह्वान कर रहे थे लोगों को तन मन धन से इस समाज सहयोग के लिए, तो मैं समझता हूँ ये आज से शुरू होने वाला महान यज्ञ जो है वो इतना आगे बढ़ेगा कि आने वाले समय में हम एक कल्पना लेकर के चल रहे हैं कि 2010 तक हम उतना परिणाम हासिल कर लें कि जो रफ्तार है इस समय असंतुलन की, रफ्तार रुक जाए, थम जाए, और हम जो है आने वाले समय के अंदर इस समाज से इस बुराई को पूरी तरह मुक्त कर सकें। इस संदर्भ में जैसा कहा मैंने पहले, हिंदी भाषा के अंदर ग्रंथ लिखा था, तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने जारी किया था, जमा में इनसे भी चर्चा की थी, किंतु मुझे कहते हैं कि शाब्दिक प्रसन्नता है कि मेरे सामने उसी ग्रंथ का द्वितीय संस्करण नहीं, उसी ग्रंथ का इंग्लिश वर्जन जो है द अनबॉर्न कर्स के रूप के अंदर अभी अभी मेरे हाथों पहुंचा है, और मैं उसकी प्रथम प्रति महामहिम को भेंट कर रहा हूँ। इसी के साथ आप लोगों को भी यही आह्वान करता हूँ, इस बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए हम सभी आगे आए, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, चार कदम ही सही चलने का साथ करें, यह तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से उसकी मुलाकात करें। मैं पुनः आप सबका प्रति धन्यवाद और आभार भी, खासकर मैं अपने मीडिया भाइयों से कहना चाहूंगा, मुझे लगता है कि आज उन्हें कुछ असुविधाएं हुई है, किंतु मैं ये कहना चाहूंगा आपको संतों ने आमंत्रित किया है और ये संतों का सम्मेलन है, बस इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम इस मिशन को सफल बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ ओ मैं अब